नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश से संवाददाता धर्मेंद्र शाह की खास रिपोर्ट। बने रहिए खबरों के साथ। आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है, मैं प्रीति वर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आपकी खास खबरों के साथ। खबर है सिंगरौली महोत्सव एवं नगर गौरव दिवस का रंगारंग शुभारंभ। सिंगरौली विधानसभा की विधायक राम लल्लू बैस के मुख्य आतिथ्य एवं कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना एवं कलेक्टर मैडम श्रीमती भावना मीना, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री साकेत मालवीय, पूर्व पार्षद श्रीमती सरोज सिंह की उपस्थिति में जिले के स्थापना दिवस पर आयोजित सिंगरौली महोत्सव एवं नगर गौरव दिवस का शुभारंभ। मुडवानी डैम इको पार्क में वाटर एंड एडवेंचर गेम का दीप प्रज्वल एवं फीता काट कर किया गया। इस अवसर पर विधायक श्री वैश ने कहा कि आज मुझे खुशी है कि बड़े शहरों के तर्ज पर मुड़वानी डैम को विकसित कर आम लोगों के मनोरंजन एवं एडवेंचर के लिए समर्पित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मुड़वानी डैम इको पार्क को मूर्त रूप देने में एनसीएल की अहम भूमिका रही है। एनसीएल, डीएमएफ एवं मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग की अहम भूमिका रही है। अब इस इको पार्क में जिले के नागरिक नौका विहार सहित विभिन्न एडवेंचर गेम का आनंद ले सकते हैं। मुड़वानी डैम में विधायक राम लल्लू बैस, कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना, कलेक्टर मैडम भावना मीना, उपस्थित जनप्रतिनिधि, आमजन, बच्चों, पत्रकारों द्वारा नौका विहार का लुत्फ उठाकर खुशियां जाहिर की गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर डीपी वर्मन, एसपी अनिल सोनकर, संयुक्त कलेक्टर बीपी पांडे, एसडीएम ऋषि पवार, संपदा शर्राफ, आयुक्त नगर निगम आरपी सिंह, तहसीलदार रमेश कोल, सीएसपी देवेश पांडे, थाना प्रभारी बिंद नगर यूपी सिंह, वरिष्ठ समाज सेवी भूपेंद्र गर्ग, श्रीमती रीना सोनी सहित जिलाधिकारी सहित अन्य नगर